writing an application. This application writing is very important in every field of life. आप कॉलेज में होते हैं, you write to your principal, you write to your teacher. कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखकर यू कैन टेल देम. आप अपनी लाइफ में यू हैव टू अप्लाई फॉर सम पोस्ट. आपके सिटी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन राइट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज होती हैं, आप उनसे एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन टेल देम व्हाट इज योर प्रॉब्लम. Now today we are going to deal with that topic. Now there are four main points in writing an application. The first point is heading. In heading you write the address. आप जिसको लिख रहे हैं application उसका address लिखते हैं. Then the second point is salutation. जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको आप कैसे संबोधित करेंगे. सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे. इफ इट्स अ मेल यू विल राइट सर, इफ इट इज अ फीमेल यू विल राइट मैडम. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. आप जिस चीज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप उस चीज को बताएंगे, लिखेंगे अपने एप्लीकेशन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिकॉज प्रिसाइजली यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू हैव टू टेल योर प्रॉब्लम. नाउ द लास्ट पॉइंट इज द एंड ऑफ एन एप्लीकेशन. एंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आप एंड कैसे करते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखकर आप एंड करते हैं किसी एप्लीकेशन का. नाउ लेट्स सी, वील स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड वील टेल यू सो मेनी थिंग्स हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम to grant you the leave of absence for 3 days as your mother is sick. Children, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है. आप नहीं आ रहे हैं स्कूल, आप बीमार हैं या आपकी मदर बीमार है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो यू विल हैव टू राइट टू योर प्रिंसिपल. नाउ हाउ वी राइट दिस एप्लीकेशन वी विल सी. Now, the first point was heading or address. Now, on the left side of your page, आपके पेज के लेफ्ट साइड में there is a margin. आप margin के पास से first line में two, and then the principal. The name of the college, in every separate line, अलग अलग लाइन में लिखेंगे आप. Then you have to put the comma after every line. Because you have to complete the address. To the principal, St. Mary's Convent Inter College, complete address you have to write, R.D. Lucknow. Then you have to put a full stop because the heading is complete. Now, then comes the salutation. If Sir, the next line, sir or madam. Sir or madam. Then from the next line, you start
योर एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं लेकिन मार्जिन के पास से नहीं लिखेंगे, जहां पर आप सर या मैडम, यू हैव टू राइट ओनली वन थिंग, या सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे, वहीं से फ्रॉम देयर ओनली उसके नीचे से यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन. दिस इज द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन की बॉडी, जो भी आप जिस टॉपिक के बारे में, जिस चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, यू हैव टू राइट हियर. नाउ यू हैव टू राइट अबाउट योर मदर्स सिकनेस. यू हैव टू टेक द लीव ऑफ 3 days. सर और मैडम, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर इज सिक. शी इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस सिंस लास्ट वीक. You are kindly requested to grant me 3 days leave from 21st January to 23rd January 2003. जो भी डेट होगी, जितने दिन के लिए चाहिए आपको, you have to write the date. और कितने दिन के लिए चाहिए, you have to write the days. कि 3 days के लिए, 6 days के लिए. Since my father is out of station, and nobody is there to take care of my mother, therefore I request you to grant me the leave. Then this is the body of the application. Jab body complete ho jayegi, then you have to come to the end. Aap end mein aayenge. End karke aap kaise aayenge? See, this is heading, this is salutation, and then comes the body. Last comes the end of the application. Application ke end mein aap likhenge. Next line se, apne principal sir ko ya ma'am ko aap thanks kehna nahi bhulenge. You will have to thank him. Thanking you for the act of kindness. Full stop. And then next line, because you are a student and the student is always obedient, therefore you will write yours obediently. Yours obediently, you will have to write your name, whatever your name is. Name and then your class, class and section. Here on the left side, ये आपको right side में लिखना है, and on the left side you have to write the date. जिस date में आप application भेज रहे हैं उसकी date लिखनी है आपको. This is the date. Now your application is over. This is very simple. बहुत easy है, लेकिन अगर कुछ चीजों की तरफ आप ध्यान रखेंगे तभी आप application ठीक से लिख पाएंगे.